से आप किस तरह से जुड़ी हैं, पहले सबसे पहले आपसे ये जानना। यहां देख रहे सामने, यस चलिए। SKS फिलिप्स के लिए सबसे पहले मेरी शुभकामना है कि उन्होंने और नया प्लेटफॉर्म दिया है, और मैं एज ए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जुड़ी हूँ। मैंने उनके लिए काफ़ी 3-4 शो कर लिए अभी तक। वैसे देखा जाए तो OTT के मामले में आप देखोगे तो हर जगह एक मोनोपोली है, पर जो मैं जो उनसे मिली SKS जो हमारे हैं, उनका नेचर इतना अच्छा है ना कि वो हर इंसान को काम का मौका देते हैं, हर डायरेक्टर को, हर प्रोड्यूसर को। तो मेरे ख्याल से ऐसे बंदों को मौका मिल रहा है जो अपना अनुभव, अपना जो करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मतलब एक अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने तैयार किया है। शॉर्ट शब्दों में बहुत दिल से जुड़ी है। दिल तो वही लगता है ना जहाँ प्यार मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है मेरे भी, तो वो चीज़ें तो वही मिलेंगी। तो सगुन जी, यहाँ पे रामकुमार पाल जी भी आने वाले थे एज अ गेस्ट, नहीं पहुँचे, क्या वजह पिछले लिए? आज नवरात्रि है, लास्ट है माता जी का, तो मतलब शायद हो सकता है कि हमने गलत टाइम पे रखा होगा प्रोग्राम। हर व्यक्ति बिजी है, हमने इनवाइट किया उनसे, वो नहीं आ पाए। उनका किस तरह का सपोर्ट रहता है, आप जब उनके पास जाती है उनसे मिलते, उनका किस तरह का सपोर्ट बना हुआ रहता है? वो ऑलवेज मेरे भाई के जैसे हैं, हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं, जब भी कोई चीज़ की ज़रूरत होती है हमेशा ऑलवेज मेरा साथ देते हैं। और उनकी कमी मुझे है नहीं, पर महसूस हो रही है, वो होते थे शायद और अच्छा लगता। और वो समाज से भी जुड़े हैं, समाज के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, कार्य करते हैं, उन्हें होना चाहिए था, मैं मिस कर रही हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे SKS फिलिप्स से, आप किस तरह से जुड़ी हैं और आप किस तरह नज़र आएंगी इस OTT प्लेटफॉर्म में? इसमें मैं एज एन एक्ट्रेस आपको नज़र आऊँगी, और ऑब्वियसली जैसे मैंने अभी बोला, हम सब इससे दिल से जुड़े हुए हैं। एक होता है प्रोफेशनल तरीके से जुड़ना है, एक होता है दिल से जुड़ना। तो यहाँ पर मतलब जितने भी आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने भी जो भी जुड़े हैं, बहुत सारे ना, तो समझ में नहीं आ रहा, तो सब लोग बहुत दिल से जुड़े हुए हैं। कोई ऐसा प्रोफेशनल मतलब नहीं है कि काम तो ठीक है कर ही रहे हैं, लेकिन सब लोग एकदम फैमिली की तरह है इसमें। तो अभी कोई इसकी OTT प्लेटफॉर्म के लिए अभी SKS के लिए कितने आपने कुछ तैयारी हुई है, या फिर आपके कुछ बन चुके हैं जो रेडी? अभी हमने काफ़ी प्रोग्राम, मतलब हमारे अलावा काफ़ी लोग काफ़ी मतलब प्रोड्यूसर कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 10-15 प्रोजेक्ट रेडी है SKO, मतलब SKS को बहुत अच्छा मतलब लॉन्चिंग मिल रहा है। मतलब होता है कि OTT में पहले कि मतलब प्रोग्राम रेडी नहीं होते या कुछ अधूरे हो जाते हैं, लेकिन इस मतलब OTT को एक बहुत अच्छे लोग प्रोड्यूसर मिले हैं, अच्छे डायरेक्टर मिले हैं, और काफ़ी प्रोग्राम है इनके पास में जो रेडी है। अभी आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से OTT प्लेटफॉर्म से इससे SKS से आप जुड़े हुए हैं? मैं SKS से इसलिए जुड़ा, जब सगु जी ने मेरे इसके बारे में बताया, तो हमारे बड़े भाई राम कुमार पाल जी, हम लोग मिले, हमें इनका जो है, चूँकि काफ़ी सालों से हमारा इनका साथ रहा है, इनके प्रतिभा को हम काफ़ी अच्छे तरीके से जानते थे, तो हमने एक डिसाइड किया कि एक उभरती हुई प्रतिभा को सपोर्ट किया जाए जो आगे चलकर इस फिल्म इंडस्ट्री में एक अपना नाम स्थापित करे। इसके लिए हमने SKS नेटफ्लिक्स को सपोर्ट किया, और हम ये वादा करते हैं आपसे कि जहाँ भी फाइनेंशियल या किसी भी तरह का कोई सपोर्ट रहेगा, हम इनको हमेशा वो सपोर्ट देंगे, और इस OTT प्लेटफॉर्म को देश और दुनिया का एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें एक अच्छे कंटेंट्स आवे, अच्छे लोग इससे जुड़े, अच्छे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इससे जुड़े, जिससे कि हम एक अच्छी चीज़ अपने भारतवासियों के लिए दे सके। आज का माहौल, आज का टाइम बहुत अलग है, हम चाहते हैं कि अगर अच्छी चीज़ें आवे। उस पर हमारी काफ़ी डिस्कस हुई सगुन जी से, तो उन्होंने बोला नहीं, हमारा जो OTT चैनल जो हम लेके आ रहे हैं सर, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको जो भी ऐसे कंटेंट आएंगे, जो कुछ भी देखने को मिलेगा, वो एक काबिल तारीफ होगा, एक फैमिली, पूरी फैमिली बैठ के देख सकते, ऐसा हम जो है लेके आएंगे। तो मैं हार्दिक शुभकामना देता हूँ उनको। जी अश्विनी साहब का स्वागत करते हुए, इसमें क्या है मैम, ये अपना OTT हर OTT से अलग तैयार हो रहा है, जिसमें से इसकी फ्यूचर की बात करें हम, तो इसमें हमारा पूरा मैच प्लेयर का कोडिंग हुआ है, जिसमें से आप सारे मैच प्लेयर के ऑप्शन देख सकते हैं, वो चीज़ हमारे इस पे आएगा। ये एक फैमिली चैनल तैयार हो रहा है, जिसमें से आपको इसमें सोशल मीडिया का भी ऑप्शन मिलेगा कि आप सोशल मीडिया जैसा फेसबुक हो गया आपको, इंस्टाग्राम हो गया, वो सारा चीज़ हमारी OTT पे आप चला सकते हो, और इस पे आपको TikTok मिलेगा,
जिसमें से मार्केट में बहुत अच्छा ओटीटी तैयार होगा। तो टिकटॉक की आपने बात की है, टिकटॉक जिस तरह से लोगों का काफी लोकप्रिय था और उसे बंद भी कर दिया गया था, बंद कर दिया गया है, तो अब आप फिर एक बार टिकटॉक की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो किस तरह से इस टिकटॉक की शुरुआत आप कर रहे हैं और किस तरह से क्या पहले जो टिकटॉक था उससे क्या जुड़ा हुआ होगा, उस तरह होगा क्या कुछ? ये हमारा सिर्फ फैमिली टिकटॉक, जिसमें से अगर कोई गंदी पोस्ट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो कंपनी उसको बैन कर देगी, उसकी आईडी चलेगी नहीं। और आपकी टीम के साथ कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं और आप जो अभी प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं अपने इस ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए, उसमें कौन कौन से स्टार कास्ट, कौन कौन से चेहरे हैं जो अभी हमें नजर आ सकते हैं? अभी तो इसमें जो भी काम हैंडल कर रहे हैं हमारे सगुन मैम हैं, सागर सर हैं और दीप सर हैं, ये सब लोग हैंडल कर रहे हैं। अब इनको किसको कास्ट करना है, सब लोग ये तीन लोगों को देखना है। सबसे पहले मैं अपना नाम बताता हूँ, मेरा नाम दीप शर्मा है और मैंने 12-13 फिल्में एज एसोसिएट राइटर लिखी हैं, जिसमें जिगर है, बलवान है, 20 साल बाद है, पाप की आंधी, क्रोध है, बहुत सारी फिल्में एड फिल्म्स काफ़ी की हैं, लिज्जत पापड़, ससा नीलम, कुलदीप माउथ फ्रेशनर, बिरला सीमेंट और सीरियल्स बहुत सारे किए हैं। और फ्लिक्स के साथ जब फ्लिक्स की शुरुआत हुई थी तब से हम साथ में जुड़े हुए हैं। हमने फ्लिक्स के लिए 2-3 प्रोग्राम्स बनाए हैं जिन्हें शगुन राठौड़ जी ने प्रोड्यूस किया है, सागर जी ने अपनी फोटोग्राफी से जिसकी खूबसूरती को निखारा है। और बस बहुत जल्दी आप सर्वेश भाई के नए OTT SKS फ्लिक्स में हमारे सारे OTT वेब सीरीज देखना पसंद करेंगे। तो इस OTT प्लेटफॉर्म से क्या कुछ लेकर आने की आपकी तैयारी है, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया 13-14 फिल्मों को, जिस तरह से आपने पहले इतनी बड़ी फिल्मों को आपने किया है, तो अब इस OTT प्लेटफॉर्म के साथ आप जब जुड़े हुए हैं तो आप किस तरह से इसके लिए फिल्में एंड आपके प्रोजेक्ट किस तरह? हमारी कोशिश ये है कि हम कुछ नया करें, कुछ अलग करें, वो चीज़ें ना करें जो इससे पहले बहुत लोगों ने देख लिया है। गंदगी से बहुत दूर हैं हमारे OTT में, बिल्कुल साफ़ सुथरी चीज़ें बन रही हैं, क्राइम शो बन रहा है, कॉमेडी शोज़ बन रहे हैं, रियलिटी शोज़ टाइप कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हम लोग बना रहे हैं और हमने कुछ अलग करने का एक प्लान किया है, जो जैसे जैसे आता रहेगा आप लोग देखते रहेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग होगा, क्योंकि आप दूसरे जो प्लेटफॉर्म पर जो सब्जेक्ट है, जो प्रोजेक्ट है, उनसे डिफरेंट लाने की आपकी कोशिश है, तो आपके लिए चैलेंज कितना होगा, क्या अभी भी कुछ चैलेंज आपके सामने ऐसा है जो आप फेस करना पड़ रहा हो? चैलेंजिंग तो बहुत है, क्योंकि देखिए बुरा मत मानिए, सबसे पहले तो जब एक डायरेक्टर आर्टिस्ट को अप्रोच करता है कि आप वेब सीरीज में काम करेंगे, तो सबसे पहले तो उनका जो फीमेल्स होती हैं उनका रिएक्शन ही कुछ अजीब होता है, तब हमें उन्हें समझाना पड़ता है कि भाई ये वो OTT नहीं है जहाँ पे कोई गंदगी हो, जहाँ पे कोई नंगापन हो, ऐसा कुछ नहीं है, साफ़ सुथरा OTT है। और इसमें काम करके आपको अब 10 जगह अपने लिंक शेयर कर सकते हो, बाकी OTTs में जाते हैं, काम करते हैं, मगर आप खुद अपनी पहचान छुपाना चाहते हो कि यार कोई देख लेगा तो क्या कहेगा, तो हमारा OTT ऐसा है कि जिसमें हम उनको काम देंगे तो वो 10 जगह खुद प्रमोट करेंगे कि मैंने इस OTT में काम किया है। आपका नाम जानना चाहूँगी और आप किस तरह से इस SKS से जुड़े हैं? मेरा नाम सागर बाबरिया है। जब से इस OTT के प्लेटफॉर्म, हमारा ऑलरेडी एक OTT प्लेटफॉर्म चल रहा है जिसका नाम फ्लिक्स SKS मूवीज करके चल रहा है, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल बाबतों की वजह से हमें थोड़ा चेंज करना पड़ा और ये हम नया OTT प्लेटफॉर्म मार्केट में ला रहे हैं। तो इस नए OTT प्लेटफॉर्म से क्या कुछ नया लाने की आपकी कोशिश है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी पहले एक OTT प्लेटफॉर्म था, उसे छोड़कर फिर नए इसकी शुरुआत कर रहे हैं, तो क्या कुछ नया है इसमें? ये OTT प्लेटफॉर्म की शुरुआत हमने इस तरह से की है, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये जो OTT प्लेटफॉर्म बनाया है वो पूरा फैमिली एंटरटेनमेंट के हिसाब से ही बनाया हुआ है, ये बच्चे से लेके बूढ़ों तक हर कोई इसको देख सकता है, हर एज के लिए हमारे पास में प्रोग्राम है, जैसे कि हमने क्राइम शो अभी स्टार्ट कर दिया है और ऑलरेडी हमारे पास में कंटेंट सारे रेडी है जो आपको नेक्स्ट डे से आपको कल से ही देखने के लिए इसमें मिलेंगे। तो जो नए चेहरे हैं जिनमें टैलेंट है लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है, क्या ऐसे लोगों को भी जगह मिलेगी SKS प्लेटफॉर्म पे? मैम हम ऑलरेडी जो भी नए आर्टिस्ट है उनको ही चांस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको ही चांस दे रहे हैं। सर ने जैसे बताया कि बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म में जो भी कंटेंट चल रहे हैं उसकी वजह से लड़कियां खास करके जो फीमेल आर्टिस्ट है उनको थोड़ी हिचकिचाहट होती है, तो वो हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं हो रही है और पूरा फैमिली एंटरटेनमेंट कॉमेडी सीरीज है वो सब हम ला रहे हैं इसमें। तो आपके लिए
जब वेब सीरीज का नाम आता है तो उसमें जो एक सीन लोगों को देखने को मिलता है और लोग उसे ही देख रहे हैं, लेकिन आप उससे चेंज कर रहे हैं कि वो सीन आपके वेब सीरीज में नहीं होगा, तो क्या लगता है दर्शकों का प्यार मिलेगा आपके वेब सीरीज को? 100% मैम, हमारा एक्चुअल में यही मानना है कि जो भी वेब सीरीज है, वेब सीरीज ओनली फॉर वही कंटेंटों की वजह से ही जानी जाती है। वेब सीरीज का नाम आते ही सबको यही लगता है कि इसमें उस टाइप के ही कंटेंट होंगे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। बड़ी बड़ी ओटीटीज पे भी अभी अच्छे अच्छे कंटेंट्स चल रहे हैं, अच्छे अच्छे स्टोरियाज चल रही है, तो उस हिसाब से हमारा पूरा मानना है कि वही कॉमेडी कंटेंट है। वेब सीरीज में भी कॉमेडी कंटेंट हम ला रहे हैं, अच्छे अच्छे कंटेंट हमारे पास में है, प्लस क्राइम शो हम कंटिन्यूज हमारी सीरीज रहेगी जो हर वीक में हमारा दो दो अपडेट आती रहेगी। मनोज जी, आप किस तरह से देखते हैं कि जब एक ओटीटी प्लेटफॉर्म आ रहा है और साफ सुथरी प्रोजेक्ट और फिल्में वेब सीरीज लेकर आ रहे हैं, तो इस ओटीटी प्लेटफॉर्म को आप किस तरह से प्रमोट करते हैं और क्या लगता है दर्शक इस ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी अपना प्यार देगी? मैम, दर्शक जरूर इसको प्यार देंगे, जो एक कोशिश है, ये कोशिश कोई जल्दी नहीं करता। देखिए, अर्थ मनी, सब आदमी चाहता है हम कुछ लॉन्च करें तो कुछ उससे पैसा कमाएं। हर आदमी का एक मतलब एक समझने सबका है। हम ये चाहते हैं कि ठीक है, पैसा तो हमें आएगा, हो सकता है थोड़े दिन हमको वो नहीं मिले, लेकिन हमको ये पूरा विश्वास है कि जो हम लेके आ रहे कंटेंट एक नई चीज़ होगा, हमारे बच्चों को हमारी फैमिली के लिए एक नई चीज़ आएगी, तो उसको लोग प्यार देंगे। थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन हमको ये पूरा विश्वास है उसको प्यार देंगे और हमें ये नई चीज़ हिट करके रहेंगे। हम एक नया कॉन्सेप्ट जो लेके आए हैं, इसको देश और दुनिया में बताएंगे कि सिर्फ गंदी चीज़ें ही नहीं चल सकती, अच्छी चीज़ों के भी लोग परखने वाले हैं, अच्छी चीज़ों को लोग प्यार करने वाले हैं, उन्हें वो चीज़ें मिलनी चाहिए। मिलती नहीं, हमारी मजबूरी है, तो हम लोग देखते नहीं, मिलेगी तो ज़रूर देखेंगे और ज़रूर प्यार देंगे। अच्छा, बीरबल जी के लिए मैं बोलना चाहूँगा शब्द, एक मिनट पहले आप उन्हें कंप्लीट कर लीजिए। ओके, मेरी बेस्ट विशेज हैं, ये जो अच्छा काम करने जा रहे हैं मालिक, इनको इसमें तरक्की दे, और जहाँ पर सच्चे दिल से कोई कोशिश करता है तो वो चीज़ हमेशा कामयाब होती है। और मैं तो कहता हूँ ज़िंदगी में कुछ भी काम करो, फर्स्ट डिज़र्व एंड देन डिज़ायर। हम लोग डिज़ायर बहुत कुछ करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हमें अपने आप को इसके काबिल बनाना है, तभी आप कामयाब होंगे। सिर्फ सोचने से नहीं आदमी कामयाब होती। यस, अब जैसे मैं इस लाइन में आया था, मैं बचपन से ही किशोर कुमार का फैन था और ओम प्रकाश का भी फैन था। उन दोनों की पिक्चरें मैं 20-20 दफ़ा 30-30 दफ़ा देखा करता था और वहाँ से मैं कुछ ग्रहण करता था। पहले मैंने कॉलेज में कॉमेडी की कामयाब हुआ, उसके बाद टीवी में भी किया, दिल्ली दूरदर्शन पे भी। उसके बाद जब मैंने देखा कि मेरे को इस लाइन में कुछ लगता है कि मैं कुछ बन सकता हूँ, तभी मैं यहाँ ट्राई करने लगा। क्योंकि अगर आपको काम मिले और अगर आपने काम अच्छा नहीं किया तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपका काम ही आपको आगे लेकर आएगा। आज हम जो वेब सीरीज देखते हैं जिसमें बहुत सारी हम गंदगी देखते हैं, आपको क्या लगता है उस चीज़ों पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, जिस तरह से आज इस ओटीटी प्लेटफॉर्म ने सोचा है, ऐसे बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी सोचना चाहिए इस तरह की वेब सीरीज लाने से पहले? मैं तो कहता हूँ कि देखो, हमारा जो अपना इंडियन कल्चर है उससे बढ़कर कोई कल्चर नहीं है। वेस्टर्न कल्चर जो है कि नहीं, उनके लिए ठीक है। अभी हम देखो, आजकल के जो बच्चे हैं वो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, इट इज़ वेरी बैड। हमारा इंडियन कल्चर इतना अच्छा है, अपना इंडियन म्यूजिक इतना अच्छा है, हमें वेस्टर्न में एक स्टाइल का लगता है, डिंग डिंग डंग डंग डिंग डंग डिंग डंग, और कुछ नहीं, वैरायटी नहीं। और अपना जो इंडियन म्यूजिक है उसमें क्या क्या चीज़ें, एक दफ़ा सुनो तो सुन, दिल करता सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ। अब बीरबल जी छोटा सा